Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala bi kitabihil majid wal furqanil hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. मुकर्रम मोहतरम सदर इजलास स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए कराम और असातिज़े-ए-शान तशरीफ फरमा मेहमान-ए-निज़ाम, आज की पुरबहार महफिल में मैं औरत के मुकाम और उसकी जिम्मेदारियों के मौजू पर लबकुशाई की जसारत कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात बगौर सुनेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। मौजूद सामईन सामियात, औरत हर जमाने में और हर दौर में मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान मौजूए बहस रही है। औरत का हुकूक, औरत का मुकाम व मर्तबा और औरत की हैसियत के तायुन के सिलसिले में कभी किसी तहजीब ने उसे तहतुसरा के पस्तियों में ढकेल दिया तो किसी तहजीब ने उसे सुरैया की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और आज तक ये सिलसिला जारी रहा है। औरत के हुकूक का दायरा कितना वसी और कितना तंग है। औरत के सिलसिले में शरीयत हम सबको पहला सबक ये पढ़ाती है कि औरत नस्बे इंसानियत है। अगर इंसानियत का अव्वल मर्द है तो इंसानियत की आखिर औरत है। अगर इस कायनात के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है तो इस कायनात का दूसरा इंसान हव्वा अलैहिस्सलाम है। औरत के बगैर ये कायनात बेमाना होती है, बेरंग बेरौनक होती है। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कहा है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। पता चला कि औरत का वजूद इस कायनात में बड़ी अहमियत रखती है। मजहब इस्लाम ने औरत को कितना बुलंद मुकाम और मर्तबा दिया है। इस्लाम ने कहा है कि औरत अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ की खिदमत करोगे, उसकी फरमा बरदारी करोगे और उसका हुक्म मानोगे तो औलाद को जन्नत की बशारत दी गई है। यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत के बाद वालिदैन का जिक्र कुरान मजीद में करता है। अल्लाह तआला ने फरमाया, वक़द रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैन एहसाना। और अगर औरत बेटी होती है तो उसके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बेटियों की परवरिश की जाए, उसके साथ उसने शुरू किया जाए और उसके जवान होने के बाद उसके लिए दीनदार शोहर का इंतखाब करके अगर उसकी शादी कर दी जाए तो वालिदैन को जन्नत की बशारत दी गई है। इसी तरह इस्लाम से पहले नुज़ूले कुरान से पहले औरत को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था। आप देखेंगे कि जब किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता तो उसकी मर्जी के बगैर उसके शोहर का माल उसके रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया जाता था और औरत उस माल से महरूम हो जाती थी, जबकि औरत विरासत का जुज और हिस्सा है। ये जुल्म और सितम किया जा रहा था, लेकिन जब इस्लाम आया, कुरान का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरसुन निसा करहा। ईमान वालों, तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम औरतों का हिस्सा जबरदस्ती खाओ। इस्लाम से पहले नुज़ूल कुरान से पहले बच्चियों की पैदाइश को और समझा जाता था। जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता तो उसकी बीवी को उसके साथ जला दिया जाता था और जब कोई बीवी उसके साथ जलने से इनकार करती थी तो उसे बेवफा तस्लीम किया जाता था। ये औरतों का हाल था, लेकिन जब इस्लाम आया, कुरान का नुज़ूल हुआ तो उन्हीं बच्चों की पैदाइश को बाइसे फख्र लोग समझने लगे। आप देखेंगे कि एक मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से वापस हो रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यतीम बच्ची आ रही थी और कह रही थी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें अपने साथ ले चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोले। इतने में एक सहाबी रज़ियल्लाहु कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्ची को आप हमें दे दीजिए, मैं इसकी परवरिश करूंगा। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, इस
इसकी परवरिश करूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में फैसला किया और फरमाया, ऐ जाफर तुम इस बच्ची को ले जाओ, इसलिए कि तुम्हारी बीवी इस बच्ची की खाला है और खाला माँ के बराबर होती है। इस्लाम ने औरत को कितना बुलंद मुकाम मर्तबा दिया है और इतनी अहमियत दी है। कुरान मजीद औरतों के ईमान इतार और कुर्बानी और तवक्कुल का जिक्र करता है जो आने वाले मर्दों के लिए नमूना है। यही औरत जब फिरौन के घर में आसिया के रूप में जाहिर होती है तो उसका ईमान, उसका इतार और कुर्बानी कयामत तक के लिए नमूना बन जाता है। यही औरत जब फिरौन के जुल्म और सितम को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती है, आए मेरे परवरदिगार फिरौन का ये जुल्म काबिले बर्दाश्त है, फिरौन का ये जुल्म मैं बर्दाश्त कर लूंगी, ये तकलीफें मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मेरे परवरदिगार बस एक दुआ है, एक इल्तिजा है कि उस सब्र के बदले में मेरी आखिरत बना दे, जन्नत में मेरे लिए बहर बना दे, फिरौन के अकीदे से बचा ले, फिरौन के शिर्क से बचा ले, फिरौन के रविश से बचा ले। फिरौन की बीवी जो मलिका है, जब उसके दिल में ईमान जाग जाता है तो तारीख के सबसे बड़े जाबिर और जालिम इंसान से टकराने वाली ये औरत है। कौन कहता है कि ये औरत सिर्फ नाजुक है, जब तक इसके दिल में ईमान ना हो जिस सिर्फ नाजुक हो सकती है, लेकिन जब इसके दिल में ईमान आ जाता है तो यही औरत पहाड़ों से भी टकरा जाएगी। खवातीन की जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन अगर हम एक लफ्ज में कहना चाहे कि जमीन पर औरत का मतलूबा किरदार क्या है, औरत का मतलूबा किरदार है नई नस्लों की तरबियत, उसके गोद में पले वाले बच्चों की तरबियत का काम औरत का सबसे बड़ा कारनामा है। मर्दों के सारे कारनामे एक तरफ, औरत का गोद मदरसा एक तरफ, औरत का गोद तरबियत गाह है, तरबियत का सबक औरत पढ़ाती है, उसने अखलाक का सबक औरत पढ़ाती है, और तारीख देखेंगे कि हर बड़े इंसान के पीछे औरत का किरदार जरूर रहा है, कहीं माँ का रोल तो कहीं बहन का रोल तो कहीं बीवी का रोल। अब आखिर में मौलाए करीम से दुआ है कि बारी लाहा आप ख्वातीन इस्लाम को अपनी जिम्मेदारी समझने और अपनी जिम्मेदारी को बहुत से खूबी अंजाम देने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما। मुकर्रमों मोहतरम सदर इजलास स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और असातिज़े शाम तशरीफ़ फरमा मेहमाना निज़ाम, आज की पुरबहार महफिल में मैं औरत के मुकाम और उसकी जिम्मेदारियों के मौजू पर लपकुशाई की जसारत कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात बगौर सुनेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। मौजूद सामईन सामियात, औरत हर जमाने में और हर दौर में मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान मौजूए बहस रही है। औरत का हुकूक, औरत का मुकाम मर्तबा और औरत की हैसियत के तालीम के सिलसिले में कभी किसी तहजीब ने उसे तातुसरा के पस्तियों में ढकेल दिया तो किसी तहजीब ने उसे सुरैया की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और आज तक ये सिलसिला जारी रहा है। औरत के हुकूक का दायरा कितना वसी और कितना तंग है, औरत के सिलसिले में शरीयत हम सबको पहला सबक ये पढ़ाती है कि औरत नस्बे इंसानियत है। अगर इंसानियत का अव्वल मर्द है तो इंसानियत की आखिर औरत है। अगर इस कायनात के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है तो इस कायनात का दूसरा इंसान हव्वा अलैहिस्सलाम है। औरत के बगैर ये कायनात बेमाना होती है, बेरंग बेरौनक होती है। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कहा है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। पता चला कि औरत का वजूद इस कायनात में बड़ी अहमियत रखती है। मजहब इस्लाम ने औरत को कितना बुलंद मुकाम और मर्तबा दिया है। इस्लाम ने कहा है
उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ की खिदमत करोगे, उसकी फरमा बरदारी करोगे और उसका हुक्म मानोगे तो औलाद को जन्नत की बशारत दी गई है। यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत के बाद वालिदैन का जिक्र कुरान मजीद में करता है। अल्लाह तआला ने फरमाया वक़द रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। और अगर औरत बेटी होती है तो उसके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बेटियों की परवरिश की जाए, उसके साथ उसने शुरू किया जाए और उसके जवान होने के बाद उसके लिए दीनदार शोहर का इंतखाब करके अगर उसकी शादी कर दी जाए तो वालिदैन को जन्नत की बशारत दी गई है। इसी तरह इस्लाम से पहले नुज़ूल कुरान से पहले औरत को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था। आप देखेंगे कि जब किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता तो उसकी मर्जी के बगैर उसके शोहर का माल उसके रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया जाता था और औरत उस माल से महरूम हो जाती थी। जबकि औरत विरासत का जुज और हिस्सा है। ये जुल्म सितम किया जा रहा था, लेकिन जब इस्लाम आया कुरान का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरसुल निसा करहा। ईमान वालों तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम औरतों का हिस्सा जबरदस्ती खाओ। इस्लाम से पहले नुज़ूल कुरान से पहले बच्चियों की पैदाइश को और समझा जाता था। जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता तो उसके बीवी को उसके साथ जला दिया जाता था और जब कोई बीवी उसके साथ जलने से इनकार करती थी तो उसे बेवफा तस्लीम किया जाता था। ये औरतों का हाल था। लेकिन जब इस्लाम आया कुरान का नुज़ूल हुआ तो उन्हें बच्चों की पैदाइश को बाइसे फख्र लोग समझने लगे। आप देखेंगे कि एक मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से वापस हो रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यतीम बच्ची आ रही थी और कह रही थी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें अपने साथ ले चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोले। इतने में एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्ची को आप हमें दे दीजिए, मैं इसकी परवरिश करूंगा। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा इस बच्ची को आप हमें दे दीजिए, मैं इसकी परवरिश करूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में फैसला किया और फरमाया ऐ जाफर तुम इस बच्ची को ले जाओ, इसलिए कि तुम्हारी बीवी इस बच्ची की खाला है और खाला माँ के बराबर होती है। इस्लाम ने औरत को कितना बुलंद मुकाम मर्तबा दिया है और इतनी अहमियत दी है। कुरान मजीद औरतों के ईमान इत्तेहाद और कुर्बानी और तवक्कुल का जिक्र करता है जो आने वाले मर्दों के लिए नमूना है। यही औरत जब फिरौन के घर में आसिया के रूप में जाहिर होती है तो उसका ईमान उसका इत्तेहाद और कुर्बानी कयामत तक के लिए नमूना बन जाता है। यही औरत जब फिरौन के जुल्म सितम को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती है आए मेरे परवरदिगार फिरौन का ये जुल्म काबिले बर्दाश्त है, फिरौन का ये जुल्म मैं बर्दाश्त कर लूंगी, ये तकलीफें मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मेरे परवरदिगार बस एक दुआ है, एक इल्तिजा है कि उस सब्र के बदले में मेरी आखिरत बना दे, जन्नत में मेरे लिए महल बना दे, फिरौन के अकड़े से बचा ले, फिरौन के शर्त से बचा ले, फिरौन के रविश से बचा ले। फिरौन की बीवी जो मलिका है जब उसके दिल में ईमान जाग जाता है तो तारीख के सबसे बड़े जाबिर और जालिम इंसान से टकराने वाली ये औरत है। कौन कहता है कि ये औरत सिर्फ नाजुक है जब तक इसके दिल में ईमान ना हो, जिस सिर्फ नाजुक हो सकती है, लेकिन जब इसके दिल में ईमान आ जाता है तो यही औरत पहाड़ों से भी टकरा जाएगी। खवातीन की जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन अगर हम एक लफ्ज में कहना चाहे कि जमीन पर औरत का मतलूबा किरदार क्या है, औरत का मतलूबा किरदार है नए नस्लों की तरबियत, उसके गोद में पलने वाले बच्चों की तरबियत का काम औरत का सबसे बड़ा कारनामा है। मर्दों के सारे कारनामे एक तरफ, औरत का गोद मदरसा एक तरफ, औरत का गोद तरबियत गाह है, तरबियत का सबक औरत पढ़ाती है, उसने अखलाक का सबक औरत पढ़ाती है। और तारीख देखेंगे कि हर बड़े इंसान के पीछे औरत का किरदार जरूर रहा है, कहीं माँ का रोल तो कहीं बहन का रोल तो कहीं बीवी का रोल। अब आखिर में मौलाए करीम से दुआ है कि बारी लाहा आप ख्वातीन इस्लाम को अपनी जिम्मेदारी समझने और अपनी जिम्मेदारी को बहुत न खूबी अंजाम देने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।